और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई करें। आदरणीय रमेश भदूरी जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। मैं सभी का स्वागत पुनः एक बार करते हुए, गौरव जी ने जैसे कहा है, केवल उन तथ्यों की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जिन तथ्यों के आधार पर वो बार बार चीज को डाइवर्ट करके और विषय से भटकाना चाहते हैं, गलत स्टेटमेंट देकर, गलत ट्वीट करने के बाद वो सोचते हैं कि दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, 2G स्पेक्ट्रम से लेकर, कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे, उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना था, उन्होंने देश से दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हटाकर इनके ऊपर विश्वास करके इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की पहल दिल्ली के लोगों ने की थी। क्या उनकी आत्मा रो रही होगी अब कि जिनको इनकी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बनना था, सत्ता के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं कभी सोचा नहीं होगा। वो आज लोग निश्चित रूप से इस बात को लेकर बहुत प्रताड़ित हो रहे होंगे कि विषय को बार बार भ्रष्टाचार के नाम से आने वाला व्यक्ति विषय को बार बार इधर उधर करने के बाद अपने रफूगरों को सामने एक स्क्रिप्ट लिखकर और टेलीविजन के ऊपर रोज 2-3 रफूगर बैठ जाते हैं जो रफूगरी करनी शुरू कर देते हैं, कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन बीजेपी से जा रहा है। अरे भाई, इधर उधर की बात ना करो, ये बताइए कि आपने जो कहा अभी गौरव जी ने, जैसे कि 1 करोड़ की बात हुई थी, कोई 8 करोड़ कह रहा है, 1100 करोड़ कह रहा है, आप उसमें प्राइमा फेसी पहले अभियुक्त हैं FIR के अंदर, 15 लोगों का लेन देन, आप 15 लोग और FIR में हैं। आपने जो ये अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो आपने लेकर पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में यह भी विषय शामिल था जिसको आप खाने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हुआ? आपने कहा हम इंडिविजुअल लोगों को लॉटरी के सिस्टम से, द ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस, तो आपने कार्टल और इन बड़े बड़े लोगों को, इन कंपनियों को, भगवती ट्रांसपोर्ट, नोवा गारमेंट, पाथवे टू HR सॉल्यूशन, इन लोगों को जो देने का काम किया, तो आपने जो लोगों को कहा कि जो पब्लिक मुझे अपना रेफरेंडम देकर कहेगी मैं वो काम करूंगा, कमेटी ने रिपोर्ट दी, कमेटी की रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए आपकी क्या रिश्तेदारी हो गई? पूछना चाहते हैं आपसे, अरुणा बंधुओं से क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी, विजय नायर जी से क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी, अर्जुन पांडे जी से, कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है, जैसा कि गौरव भाटिया ने कहा मनीष सिसोदिया पर पलटवार करते हुए कि जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ सकता है, आपके अहंकार को दिल्ली की जनता तोड़ेगी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें संदेश आया।